कांकेर जिले में सबसे ज्यादा एड्स मरीजों की संख्या पखांजूर में बताया जा रहा है, जो कि पखांजूर में जिले में सबसे ज्यादा एड्स मरीजों की संख्या बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। पखांजूर सिविल अस्पताल में पदस्थ विजय टेम्भरे लैब टेक्नीशियन से मिली जानकारी के अनुसार पखांजूर क्षेत्र में सन 2010 से अब तक 66 एड्स से पीड़ित मरीजों की संख्या दर्ज किया गया है, जिसमें से 20 मरीजों की मौत हो चुकी है एवं 18 मरीज अन्य राज्य में चले गए हैं तथा 28 मरीजों की उपचार पखांजूर सिविल अस्पताल से किया जा रहा है। वहीं 28 मरीजों में से 8 मरीज गर्भवती महिलाएं शामिल है। विजय टेम्भरे लैब टेक्नीशियन ने बताया कि समय समय पर सभी मरीजों की जाँच की जा रही है एवं लगातार दवाई वितरण किया जा रहा है। वहीं गर्भवती महिलाएं की भी खास ख्याल रखा जा रहा है। डिलीवरी के समय सावधानी पूर्वक डिलीवरी कराया जाएगा एवं बच्चे को दवाई तथा जाँच समय समय पर किया जाएगा। वहीं पखांजूर में बढ़ते एड्स जैसी जानलेवा बीमारी के मरीजों की संख्या को देखकर विधायक प्रतिनिधि अभिजीत भट्टाचार्य ने खासकर क्षेत्र के नौजवानों को सावधानियां बरतने की बात कही है। उन्होंने बताया कि सावधानियां ही एड्स जैसी जानलेवा बीमारी की सबसे बड़ी दवा है। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिलीप सिन्हा ने बताया कि एड्स 4 कारणों से होता है, असुरक्षित यौन संबंध एवं एड्स से पीड़ित मरीजों को लगाया गया सुई का दोबारा उपयोग करना, एड्स पीड़ित मरीज की खून चढ़ाना तथा एड्स पीड़ित गर्भवती महिला से होने वाले बच्चे को एड्स होने की संभावना होती है। बढ़ती एड्स मरीजों की संख्या चिंताजनक है, खासकर क्षेत्र के नौजवानों को अपनी बचाव करना होगा, सावधानियां बरतनी चाहिए। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। क्षेत्र के नौजवानों के लिए यह मैसेज है कि सुरक्षित संभोग करें और जहां भी जरूरत पड़े अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तो रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से ब्लड ये करें और सुई जो जिससे जो ड्रग एडिक्ट्स रहते हैं तो उससे भी वो एड्स फैलता है, तो सुई जो है एक ही सुई को बार बार नहीं यूज़ करें और जहाँ तक संभव हो ड्रग्स का उपयोग न करें तो ज़्यादा अच्छा है। पिछले दिनों मैं कोलीग्राम ब्लॉक के बीओ साहब से चर्चा कर रहा था तब पता चला कि पूरे कांकेर जिले में सबसे ज़्यादा एड्स हमारे इस परमपुर क्षेत्र में ही है। मैं इस क्षेत्र के युवाओं से बड़े विनम्रतापूर्वक उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत सावधानी बरतें, जान है तो जहान है, एड्स एक जानलेवा बीमारी है। मैं फिर दोबारा आप लोगों से निवेदन करूँगा कि कोई भी ऐसा गलत काम ना करे जिसे जानलेवा बीमारी के चपेट में आए।